नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गोलमुरी पुलिस लाइन निवासी महिला कांस्टेबल ने चौथे तल्ले से कूदकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। बिष्टुपुर पुलिस ने हथियार के साथ कुख्यात अपराधी मोहम्मद आदिल उर्फ निप्पो को किया गिरफ्तार। बारागुड़ा पुलिस टीम ने छापेमारी कर दो कार के साथ 100 किलो गांजा किया बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार। और पश्चिमी जिला पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 3 नक्सली गिरफ्तार, आईईडी बनाने का सामान बरामद। खबरें विस्तार से। गुलमुरी थाना अंतर्गत पुलिस लाइन में रहने वाली कांस्टेबल ललिता कुमारी ने चौथे तल्ले से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजन उसे तत्काल टीएमएच ले गए, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। घटना शुक्रवार सुबह 5:30 बजे की है। घटना के बाद जहां परिजनों का रो रो का बुरा हाल है, वहीं पुलिस लाइन में भी शोक का माहौल है। इधर घटना की सूचना मिलने पर सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। उन्होंने मृतिका के पति, बच्चों व आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। डीएसपी ने बताया कि ललिता कुमारी पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी और घर में अकेली कमाने वाली थी। पति नशे का आदी है, जिस कारण वह डिप्रेशन में थी। अभी सुबह 5:30 बजे की बात के करीब घटना है। महिला कांस्टेबल ललिता छत में गई थी और फिर वो नीचे गिरी पड़ी हुई है। इस बिंदु पर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और उसका इलाज के क्रम में मृत्यु हो गया है। इस संबंध में हम सभी पर पहलू पर जांच कर देंगे, आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो परिजन सब उसके हस्बैंड, बेटी, लड़का सब साथ में ही रहता था। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हथियार के साथ एक कुख्यात अपराधी मोहम्मद आदिल उर्फ निप्पो को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने एक वार्ता के दौरान दी। बताया जाता है कि पुलिस को बीती रात गुप्त सूचना मिली थी कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के खाओ गली में अपराधी मोहम्मद आदिल उर्फ निप्पो हथियार के साथ घूम रहा है। इस पर पुलिस ने त्वरित रूप से टीम को तैयार कर मौके पर पहुंची और अपराधी मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी के पास से पुलिस ने 9 mm का पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में लगा हुआ था। अपराधी पर पूर्व से भी कई मामले दर्ज है। एक व्यक्ति जो एक लड़का जो है कोई अपराध को अंजाम देने के लिए से खाओ गली के पास में घूम रहा है, जिसके पास उसका घेराबंदी बिष्टुपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों द्वारा किया गया और उसके पास से 9 mm का पिस्टल, 2 जिंदा गोली बरामद किया गया, जिससे संबंधित उसके पास कोई कागजात इत्यादि नहीं था जो अवैध था। और उसका नाम पूछताछ में आदिल उर निप्पो नाम है वो, और वो जो सलाई कराने वाला है उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके पास से अवैध अग्निस्त्र जो देसी कंटेनर है वो बरामद किया गया। इस संबंध में बिष्टुपुर थाना में कांड दर्ज किया गया और उसको हम लोग पहले भी जेल किया गया सर। पहले ये हत्याकांड में आराम सेक्ट में भी ये जेल गया हुआ है, जैसा कि पूछताछ में ये बताए हैं। आगे भी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं और जहाँ जो जो कांड में इसका पूर्व में संलिप्तता होगा उससे संबंधित जो आवश्यक कार्रवाई है इस कांड के अंतर्गत। वहीं बहरागोड़ा पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी कर दो कार के साथ 100 किलो गांजा बरामद किया गया है और दो आरोपी गिरफ्तार। गांजा की तस्करी कार से किए जाने की सूचना पर बहरागोड़ा की पुलिस टीम की ओर से छापेमारी कर दो कार के साथ 100 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार गांजा तस्करों में घाटशिला मऊ भंडार चुनीडी का आकाश नाम था और घाटशिला कोकपाड़ा का रहने वाला सौरभ कुमार दास शामिल है। पुलिस ने दो कार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। गांजा तस्करी का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की ओर से बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के जामशोल NH 49 पर चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस बीच दोनों कार पहुंची, कार पर सवार बाकी लोग फरार हो गए थे, लेकिन एक चालक व एक अन्य को पुलिस ने घेर कर गिरफ्तार कर लिया। गांजा की तस्करी कार से किए जाने की सूचना पर बहरागोड़ा की पुलिस टीम की ओर से छापेमारी कर दो कार के साथ 100 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। हम लोगों को लगभग 100 किलो से ऊपर की मात्रा में गांजा जैसा दिखने वाला पदार्थ बरामद हुआ है।
और उसके अलावा हम लोगों को दो गाड़ियां जिनके माध्यम से वह इसकी तस्करी कर रहे थे वो भी पकड़ में आई हैं, और दो व्यक्ति जो कि गाड़ी के अंदर मौजूद थे वो पकड़ाए हैं। एक गाड़ी में जो दो व्यक्ति थे वो लोग गाड़ी छोड़ करके झाड़ियों का फायदा लेकर के भाग गए थे, उनका भी परंतु नाम उजागर हुआ है और उनके ऊपर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे यह हम लोगों की जमशेदपुर पुलिस की एक अच्छी सफलता है। और सोनारे स्थित मरीन ड्राइव के समीप दो कार में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गए पर किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सोनारे स्थित मरीन ड्राइव के समीप दो कार में आमने सामने की जोरदार टक्कर में दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस घटना से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आप लोग को सूचना ये मिला कि रांची से गाड़ी आ रही थी, ठीक है, अपना जो रास्ता पकड़ के आ रही थी, सोनारी जाना था गाड़ी को, सोनारी के लिए गाड़ी इस तरफ मुड़ी, उधर से स्पीड में जो गाड़ी आ रही थी वो आके डायरेक्ट इसको मारा। अच्छा, हाँ, ये सूचना हम लोग को मिला अब तक का। टक्कर हुआ दोनों आमना, हाँ, सामने, आमना सामने टक्कर हुआ है, क्योंकि रास्ता तो यही है, सोनारी निकलने का यही रास्ता है, उधर से गाड़ी आया, आमने सामने टक्कर हुआ, यही सूचना मिला। बाकी अब ड्राइवर बताएगा क्या है क्या नहीं है। कितने लोग घायल हुए इसमें? कुछ, कोई घायल नहीं है, किसी को चोट नहीं लगा है, सब ठीक। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को भाकपा माओवादी के लिए चलाए जा रहे विशेष ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर विस्फोटक बनाने का सामान सहित भारी संख्या में अन्य सामान बरामद हुआ है। पिछले 10 अक्टूबर से पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो और गोयलकेरा थाना क्षेत्र में जंगल और पहाड़ के बीच सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी गाँव से नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए नक्सलियों में टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी का देबाय पूर्ति एवं जूरिया बहादा उर्फ माटा और गोयलकेरा थाना क्षेत्र के बोईपाई ससांग गांव का लेबिया बोईपाई शामिल है। गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि माओवादी द्वारा अंजाम दिए गए कई घटनाओं में यह तीनों आरोपी शामिल रहे हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। इनके निशानदेही पर IED विस्फोटक बनाने का सामान बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सली IED विस्फोटक और स्पाइकल होल को माध्यम बनाते हैं, इससे जुड़ा सारा सामान बरामद हुआ है। SP ने बताया कि गोयलकेरा के हाथीबुरु पुलिस कैंप पर हमला, टोंटो और गोयलकेरा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए IED डायरेक्शनल बम और प्रेशर बम लगाने के मामले, गोवा थाना क्षेत्र में मैगजीन लूटकांड, पुलिस पिकेट हाथीबुरु में राशन लेकर जा रहे ट्रैक्टर को उड़ाने सहित अन्य मामलों में आरोपी है। छापामारी में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हुसीपी निवासी देव्या पूर्ति उर्फ लेगे से, जुड़िया बहंदा और देबिया बोपाई, ये बोपाई ससांग गोलकिरा थाना अंतर्गत गांव का रहने वाला है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनकी निशानदेही पर उस क्षेत्र से आईडी बनाने और नक्सली साहित्य से संबंधित ढेर सारे सामान हमारे संयुक्त टीम की सदस्यों ने बरामद किया है, जिसमें मुख्य रूप से आपको जो डायरेक्शनल आईडी बनाने में पाइप का यूज़ होता है वो रिकवर हुआ है। साथ ही साथ इन लोगों के द्वारा सरिया काटकर नुकसान पहुंचाने के लिए उसके छोटे छोटे स्प्रिंटर बनाकर यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी बरामद किया गया है। और नक्सली साहित्य की ढेर सारी चीज़ें इस पूरे अभियान में बरामद की गई हैं। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने पूर्व के ढेर सारे कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसमें मुख्य रूप से आईडी लगाने और आईडी के सामान को इधर से उधर पहुँचाने में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। मानगो थाना पोस्ट ऑफिस रोड स्थित चट्टाई कॉलोनी में सुमंतो घोष नामक 28 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मानगो थाना पोस्ट ऑफिस रोड स्थित चट्टाई कॉलोनी में सुमंतो घोष नामक 28 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि युवक नशे का आदि था। वो डेली पी के आता है, अपना सो जाता है, वो कैसे मतलब नहीं रहता उसका, हम दारू पिए कि क्या पिए, आगे खाना खाएगा चुपचाप सो जाएगा, कारण नहीं पता, नहीं पता उसका अपना जो चादर उड़ते थे कंबल को फाड़ के। उधर मानगो डिमना बस्ती स्थित हयात नगर में बिजली विभाग की कारगुजारी से मौत के साए में जीने को बेबस है लोग।
पेड़ और बांस के पोल में लटक रहा है नंगा तार। किसी अप्रिय घटना से नहीं किया जा सकता है इनकार, बस्तीवासियों में आक्रोश। मानगो डिमना बस्ती स्थित हयात नगर में बिजली विभाग के कारगुजारी से मौत के साय में लोग जीने को बेबस है। यहाँ पेड़ और बांस के पोल के सहारे बिजली का नंगा तार लटकता है, जिससे कभी भी किसी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद खान हुआ, ये डिमना बस्ती हयात नगर है जो मानगो एरिया में आता है। यहाँ पे बिजली विभाग के तरफ से इतना ज़्यादा दयनीय स्थिति कर दिया गया है कि बस्ती वासी बिल्कुल त्रस्त हैं। एक साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पोल लगा हुआ है, लेकिन तार जो है बिल्कुल झूला हुआ है। और बस्ती वासी ज्ञापन दे दे के SDO साहब को परेशान हो गए। कल भी ऐसा हुआ कि तार गिर गया था रात में, उसके बावजूद भी हम लोगों ने खबर किया, SDO साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। आखिर इसके बाद अगर SDO साहब के तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम लोग इस पर बहुत जल्द उपायुक्त महोदय को भी एक ज्ञापन देने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ऑफिस को भी एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हयात नगर के जो बस्ती वासी हैं वो किस तरीके से त्रस्त है, आकर एक तरीके से आप देख लीजिए। यहाँ पे मुमरा पोल में गड़ा हुआ है, बांस हुआ है, झुक गया बांस, कल तो तार गिर गया था, तीन घंटे और अंधेरा हो गया था एकदम। वही रात में अपने सब जुड़े अपना पेड़ में लटका हुआ है, कच्चा डांटना है, कितना शॉर्ट हो करंट आ जाएगा। और गाड़ी वहाँ तो जाते रहता है, बड़ा गाड़ी आता है रात में, और बरसात में करंट आ जाता है। हम बच्चे लोग यहाँ खेलते कूदते हैं, हमारा पेड़ के नीचे बैठते हैं उठते हैं, और जगह में पूरा तार यहाँ से गया हुआ है और लोग कुछ ध्यान नहीं देता है। तार पूरा लटका हुआ पोल, एक साल से ज़्यादा हो गया गड़ के, और जब भी फोन करते हैं हम लोग तो बोलते हैं तार नहीं है, तो ये नहीं है, कोई फोन नहीं उठाते हैं। वहीं टेलको मस्जिद न्यू कमेटी के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे SDM कोर्ट, धारा 107 के मामले में तारीख पर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल। टेलको मस्जिद न्यू कमेटी के प्रतिनिधि SDM कोर्ट में पहुंचकर धारा 107 के मामले में पहली तारीख पर शामिल हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए कमेटी के महासचिव मोहम्मद तौहीद ने बताया, ये मामला टेलको मस्जिद का है, और टेलको मस्जिद के मामलात में इस तरह का है कि जो लोग बहुत वर्षों से वहाँ पर अपना एक दबदबा बना कर करके चल रहे हैं, उस कमेटी को हटा कर करके नई कमेटी लाने को लेकर करके ये जो विवाद हुआ था, इस विवाद के लेकर करके टेलको थाना में अप्राथमिकी जो है दर्ज की गई थी दोनों पक्षों के विरुद्ध में। तो आज डेट था, आज SDO साहब तो नहीं है, अभी कोर्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों का ये पक्ष हम लोग SDO साहब के पास रखेंगे कि जो कमेटी है वो कमेटी इतनी पुरानी है और कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी संस्था चलता है वो संस्था एक तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं है, प्लस क्या है कि इसमें जो है इलेक्शन जो होना चाहिए 2-3 साल पे जो वो नहीं हो रहा है, प्लस उसका जो भी फंड आता है फंड का आज तक कोई ऑडिट नहीं है। इसके साथ साथ जो है जो ओरिजिनल बाईलॉज होता है कमेटी का वो ओरिजिनल बाईलॉज भी नहीं है, और ये लोग अपने तरीके से तोड़ मरोड़ करके एक बाईलॉज बना लिए हैं। तो ओरिजिनल बाईलॉज को तो लाया जाएगा, क्योंकि बाईलॉज में ही लिखा होगा कि कब जनरल बॉडी मीटिंग होगा, कब जनरल बॉडी मीटिंग को कॉल किया जाएगा, कौन लोग उसमें पदाधिकारी कौन कौन किनका किनका क्या क्या फंक्शंस है, ये कहीं भी किसी भी लोगों को जनता को नहीं पता है वहाँ का। सिर्फ ये लोग चंदा दे रहे हैं और चंदा वो लोग ले रहे हैं और सारा फंड का मिसयूज किया जा रहा है सारा ही। तो इस केस को आप देख रहे हैं? जी हाँ, इस केस को मैं देख रहा हूँ। कितने लोगों पर केस? इधर 11 लोगों पर केस किया गया है, जो हम जिस लोग तरफ देख रहे हैं उसमें 11 लोग। 107 तक केस हुआ आप लोगों पर, आप लोग आज यहाँ आए हैं, डेट पड़ा है, क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना यही चाहेंगे कि ये जो सिलसिला चले आ रहा है कि ये अवैध कमेटी जो है कभी इलेक्शन कराती नहीं है, और अपने में ही जो है लोग जो है ना चुन लेते हैं बराबर, 2018 में निर्विरोध 1-10-2018 को निर्विरोध चुन लिए जाते हैं, उसका विरोध हम लोग करते हैं, थाना में बैठ के बात होता है, कहा जाता है कि पुरानी कमेटी ही रन करेगी, इलेक्शन 2 महीना में कराना है इनको, फिर ये लोग इलेक्शन नहीं कराए, वो निर्विरोध जो जीते थे वही कमेटी को लेकर रन करना चालू कर दिए, इस वक्त भी वो लोग सेम चीज़ को अपना रहे हैं। होने का कारण है कि ये लोग बार बार हम लोग के खिलाफ में जो है रिटर्न दे रहे हैं, बाजाबता उसमें फ़ोन नंबर के साथ हम लोग पर कंप्लेन डाल रहे हैं थाना में, एक बार नहीं कई एक बार ये लोग डाले हैं, तो थाना भी जो है डेट पे आप लोग आए हैं? हाँ, पहला डेट है। जी जी, आज पहला डेट है। और जमशेदपुर का पहला विश्वकर्मा पॉइंट सांची स्ट्रेट माइल रोड में खोला गया, जिसका उद्घाटन जिले के उपायुक्त ने शुक्रवार को किया। इस पॉइंट में पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माता एवं हस्तशिल्प निर्माताओं को स्थायी स्थान प्रदान किया गया। बता दें, ये वैसे निर्माता व शिल्पकार हैं जो कई वर्षों से इन इलाकों में अपने सामानों की बिक्री करते थे, लेकिन कुछ कारणवश ये यहाँ बिक्री नहीं कर पा रहे थे।
शुक्रवार को इस पॉइंट का उद्घाटन जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने फीता काटकर किया। उपायुक्त ने इस दौरान सभी पारंपरिक वाद्य यंत्रों का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि अब इन सभी को स्थायी रूप से यह स्थान प्रदान किया गया है और ये अपने सामानों को लाकर यहां बिक्री कर सकते हैं, जिससे उनका रोजगार होगा। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी झारखंड सरकार के द्वारा जो उन्हीं के द्वारा जो दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग जितने भी हमारे कारीगर और हस्तशिल्प का जो काम करते हैं उन सभी लोगों को जो है एक यहाँ पॉइंट दिया गया, जिसका नाम हम लोगों ने विश्वकर्मा पॉइंट दिया, जो अपने उत्पादनों को जो है यहाँ आके बेच सकते हैं और जमशेदपुर में भी और पूरा जो हमारे झारखंड से भी और बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं सामान खरीदने के लिए। तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम के प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ आसानी से वो लोग ले सकते हैं और यहाँ के हमारे कारीगर लोगों को भी एक अच्छा आमदनी भी मिलेगा और उनका एक जो सम्मान भी मिलेगा। और इनके द्वारा जैसे बताया जाता है कि कागजात भी है बहुत सारे जो लगभग 40-50 साल पहले जो है यहाँ ये लोग रोज़ बैठ के ये लोग बेचा करते थे, लेकिन बाद में किसी कारणवश वो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब हम लोग राज्य सरकार के दिशा निर्देश में जिला प्रशासन जो है इनको संपूर्ण मदद करेंगे। इधर टेलको स्थित गोप बंधु विद्यापीठ हिंदी मीडियम स्कूल में दीपावली के अवसर पर शुक्रवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्कूल के प्राचार्य संजीव कुमार ने बताया कि दीपोत्सव के अवसर पर स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके तहत कक्षा नर्सरी 1 व 2 के बच्चों के लिए आध्यात्मिक वेशभूषा प्रतियोगिता, कक्षा 3, 4 व 5वीं के बच्चों के बीच भारतीय पारंपरिक परिधान, कक्षा 6 और 7वीं के बच्चों के बीच दीप सज्जा एवं कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं के बच्चों के लिए रंगोली प्रतियोगिता रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच शिक्षा के साथ संस्कार का भी समावेश करना है। इस दौरान बच्चे आराध्य देवी देवताओं के परिधान में नजर आए। भारतीय पारंपरिक परिधान की प्रतियोगिता रखने का उद्देश्य था कि बच्चे हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों की वेशभूषा को जानें। दीप सज्जा से यह बताया गया कि जिस प्रकार दीप जलने के बाद प्रकाश होता है और अंधेरा दूर हो जाता है, इसी तरह शिक्षा आने के बाद अज्ञानता भागती है। रंगोली सज्जा के माध्यम से सभी का जीवन खुशहाल और रंगीन हो, इसकी कामना की गई। और हम सबसे आग्रह करेंगे कि हम सभी भारतीय मिल के बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दें, उन्हें अपने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से परिचय कराएं। यही हमारे इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था। धन्यवाद। मैं संजीव कुमार तिवारी, प्रचार हाई स्कूल गोबंधु विद्यापीठ टेल। उधर धनतेरस के पावन मौके पर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था लोक समर्पण ने इस खास मौके को गरीब तबके के बच्चों के साथ मनाया। इनके द्वारा बिरसा नगर स्थित मोशी बस्ती स्कूल में बच्चों के बीच दीपावली के दिए व पटाखों का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष ललित दास ने इस दौरान बस्ती के कई घरों में दिए भी जलाए। वहीं भारी संख्या में बच्चों के बीच दिए, मोमबत्ती, फटाखे व मिठाइयों का वितरण भी किया गया। इस दौरान बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अध्यक्ष ललित दास ने कहा कि अपने लिए तो सभी दीपावली मनाते हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते संस्था के सभी सदस्यों का दायित्व है कि उनके घर को भी रोशन करें, जिनके घरों में दीपावली में भी अंधेरा है। इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर त्यौहार के दौरान खुशी दिखे, ऐसा प्रयास हम सभी को मिलकर करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा, और भी संस्था है, सोशल वर्कर है, कि कम से कम एक दिया गरीब के यहाँ जलाए, ताकि उनका भी दीपावली अच्छा से मनाए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की आरपीएम तेज जो भागे। ग्लैम गाइस की चलती है। The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार। सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं,
लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। धनतेरस और दीपावली के मौके पर जमशेदपुर शहर का बाजार सजा हुआ है। लोग धनतेरस की खरीदारी में जुटे हैं। बाजारों में लोगों की खासी भीड़ देखी जा रही है। बाजार में माता लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति, स्टील आदि के बर्तन, पूजन सामग्री, झाड़ू समेत चीनी से बनी मिठाइयों की बिक्री हो रही है। वैसे धनतेरस के मौके पर झाड़ू की बिक्री ज्यादा होती है। दुकानदारों की माने तो बाजार में इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा ग्राहक आने की उम्मीद है। हो रही है, मार्केट भी ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन पिछले वर्ष के भांति इस बार थोड़ा सा प्राइस हर एक सामान में कुछ ज्यादा हाई है। आज के दिन मतलब लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, धनतेरस है, धन का आगमन होता है। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके पोटका के मोजा सरमदा के ग्रामीण शुक्रवार को डीसी ऑफिस पहुंचे। वहीं उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए मोजा सरमदा में हो रहे अवैध खनन को बंद कराने की मांग की। इससे पूर्व भी पोटका के अंचल अधिकारी को इसकी सूचना दी गई थी, परंतु इस ओर कोई कार्य नहीं हुआ, जिससे आक्रोशित ग्रामीण शुक्रवार को सड़क पर उतरे। ग्रामीणों ने डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि पारंपरिक ग्राम सभा सरमदा से लीज के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं है। खनन से पर्यावरण प्रदूषित होगा, भूजल का स्तर नीचे चला जाएगा, जिससे कृषि के लिए जमीन सूख जाएगा और फसल नहीं होगा। ब्लास्टिंग से ध्वनि प्रदूषण होगा एवं घरों में दरारें पड़ेंगी। पत्थर ढुलाई के लिए भी भारी वाहनों का इस्तेमाल होगा, जिससे गांव की सड़क खराब होगी। खनन से गड्ढे होंगे और पशु गिरने का खतरा होगा। इन सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए अवैध खनन के खिलाफ रोक लगाने का आग्रह किया, अन्यथा ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम शंका सरदार है, हम सरमदा गांव से आए हुए हैं और हम लोग डीसी के पास इसलिए आए हैं कि हम लोग का कुछ भी ग्राम सभा कुछ भी नहीं कर रहा है और हम लोग का जो खनन हो रहा है वहां पर बंद नहीं हो रहा है और बंद करना होगा और उतना कुछ भी नष्ट हो रहा है वहां पे। बहुत अवैध खनन हो रहा है, पत्थर खनन हो रहा है, इसके चलते आए हैं डीसी साहब के पास उसको रोकने के लिए। बहुत हम लोग का नुकसान हो रहा है, हम लोग किसी भी नहीं कर पा रहे हैं, पानी भी नहीं मिल रहा हम लोग को किसी करने के लिए। अवैध रूप से दो माफिया है, पत्थर माफिया, एक चित रंजन दास और एक सुजीत कुमार मंडल। 30 साल से ये लोग अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, कम से कम अरबों रुपया सरकार का खजाना। कहाँ पे कर रहा है ये? सरमंदा गांव है, हाथा जुड़ी के बगल में, सरमंदा गांव रोड के बगल में है, इसलिए इसके ऊपर में कार्रवाई करना जरूरी है और जेल भेजना अनिवार्य है और इसलिए आज यहां पर आए। अगर नहीं करेगा तो हम लोग का जम करेंगे। और 20 नवंबर से सिद्धगोड़ा में शुरू होगा बाल मेला। भूमि पूजन में शामिल हुए बाल संरक्षण आयोग के सदस्य। सिद्धगोड़ा में 20 नवंबर से 24 नवंबर तक बाल मेला का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल पर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग के सदस्य सुनील कुमार वर्मा आए। वह रांची से जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस बाल मेला में बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बाल मेला का आयोजन जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के प्रयास से हो रहा है। सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग और जिला प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। इस बाल मेला में जिले के सभी विभागों द्वारा अपने विभाग की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाया जाएगा, ताकि बच्चों को सरकारी विभाग की जानकारी हो सके। इस अवसर पर मेला से संबंधित जानकारी सुबोध श्रीवास्तव ने भी दी है। जमशेदपुर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, ईचागढ़ और जुगसलाई विधायक के समक्ष महिलाओं ने थामा झामुमो का दामन। जमशेदपुर में बढ़ रहा झामुमो का जनाधार। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में लगातार विधायक मंगल कालंदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को फिर जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत परसोडी के सुभाष चंद्र मिलन संघ हलुदबनी में एक मिलन समारोह का आयोजन जुगसलाई के विधायक मंगल कालंदी के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विधायक सविता महतो उपस्थित हुए।
इस दौरान काफी संख्या में महिलाओं ने हेमंत सरकार और स्थानीय विधायक के विकास कार्यों से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली। सुप्रिया भट्टाचार्य और दोनों विधायक ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। झामुमो महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को संकल्पित है। हमारी सरकार में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले, किशोरी समृद्धि आदि कई योजनाएं चला रही है। विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि हेमंत सरकार में चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं और तेजी से हो रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोगों का प्रभाव झामुमो के प्रति बढ़ रहा है। विधायक सविता महतो ने कहा कि हेमंत सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। सावित्रीबाई फुले, किशोरी समृद्धि आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि हेमंत सरकार में चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं और तेजी से हो रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोगों का प्रभाव झामुमो के प्रति बढ़ रहा है। विधायक सविता महतो ने कहा कि हेमंत सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। इस क्षेत्र में हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के बीच में पहुंचकर लोगों का सेवा कर रहा हूं और कोई भी समस्या होता है उसका समाधान कर रहे हैं हम लोग हमेशा, और इसी से प्रेरित होकर बहुत सारे बहनें काफ़ी संख्या में आप लोगों भी देखा है ये आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किए हैं, नारी शक्ति महाशक्ति के रूप में आ सकते हैं और दो दो मुखिया भी जो आज हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, नागी मुर्मू जी, पानू मुर्मू और हमारे बबीता करवा, कंचन और हमारे अर्पिता जी और कुमकुम पोद्दार, वंदना चटर्जी, चुम्पा जी और पिंकी गोस्वामी, सारे लोगों के नेतृत्व में आज महिलाओं ने बहुत काफ़ी संख्या में ज्वाइन किया और हम लोग सभी मिलजुल कर इस क्षेत्र का विकास करें। झारखंड फोटोग्राफर सोसाइटी की जमशेदपुर शाखा द्वारा गुरुवार की शाम एक दिया शहीदों के नाम का आयोजन किया गया, जिसमें फोटोग्राफर समिति के सदस्यों ने गोलमुरी स्थित शहीद स्थल पर दिए जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सोसाइटी के सुमन शर्मा ने बताया कि हम लोग दीपावली की पूर्व संध्या में अपने उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। उन्हीं शहीदों के नाम दीपावली से पूर्व संध्या में हम लोग अपना पहला दिया शहीदों के नाम जलाकर उन्हें नमन करते हैं, उसके बाद अपने घरों में दिया जलाते हैं। फोटोग्राफर सोसाइटी ऑफ झारखंड की ओर से दिवाली के पूर्व संध्या, जो दिवाली में हम लोग घर में दिया जलाते हैं, उससे पहले हम लोग वीर शहीद को याद करते हैं जो हमारे लिए अपनी सीमा में खड़े हैं और जो हमारे लिए जान निछावर कर रहे हैं, और उनसे उन शहीदों को हम लोग दिवाली से पूर्व संध्या याद करते हैं कि उनके लिए एक हम लोग पहले दिया जलाएं, उसके बाद घर में दिया जलाएंगे। और अगर आपको देखना है कचरे का अंबार तो चले आइए बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में, जहां हर जगह लगा है कचरे का अंबार। जनप्रतिनिधि नदारद, किसकी है जिम्मेदारी, कौन सुनेगा जनता का दर्द और समस्याओं को। दीपावली और हिंदुओं का महापर्व छठ आने वाला है, सभी के घरों में जोर शोर से साफ सफाई हो रही है, लेकिन अगर आप एक बार घर से बाहर निकलकर देखेंगे तो हर मैदान में लगभग कहीं ना कहीं आपको कचरा जलते हुए या कचरों का अंबार जरूर दिखाई देगा। यह देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे अपने अपने घरों की तो सफाई लोग कर रहे हैं मगर सारा कचरा निकाल कर मैदान में या रोड किनारे रख दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए लोग भी मजबूर है। पूरे बागबेड़ा में कहीं भी कचरा फेंकने की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण ऐसा करने के लिए लोग मजबूर है। एक बार साफ सफाई करवा कर फोटो खिंचवा कर हम सोशल मीडिया में डालने वाले जनप्रतिनिधि भी अभी नदारद हैं, लेकिन चिंता मत करिए, भले जनप्रतिनिधि ना दिखाई दे लेकिन पर्व के समय आपको जनप्रतिनिधि के साथ साथ विधायक और उनके बैनर पोस्टर हर जगह जरूर दिखाई देंगे। अब ऐसे में साफ सफाई और कूड़ेदान रखवाने की जिम्मेदारी किसकी है, विधायक, जिला परिषद, मुखिया या पंचायत समिति सदस्य की, यह सोचनीय विषय है। जैसे विधायक और जनप्रतिनिधि कुछ खास समय पर ही दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जनता भी खास समय पर आने पर बखूबी जवाब देगी। बेड़ा का निवासी हूँ, नियर शाखा मैदान, यहाँ जो कचरा फेंकने वाला आदमी ना, मतलब जिसको मना करते हैं वही हम लोग से लड़ाई करने के लिए तो आउट हो जाता है।
और अभी तो ये आ रहे हैं, थोड़ा पानी गिर जाने के बाद यहाँ का समस्या देखिए, आदमी को पैदल चढ़ने लायक नहीं रहता है। रोड गली मोहल्ला मने एकदम पूरा मैदान मने एकदम रहना डूरब कर दिया है बागबेड़ा में, इसीलिए सब बागबेड़ा में कचरा सब बाहर से जो भी घर का क्लीनिंग हो रहा है सब कचरा यहीं फेंक के जा रहे हैं सर। यहाँ पे कुछ व्यवस्था होगा तब तो यहाँ पर ही साफ सफाई के लिए कुछ किया जाएगा, तब इसीलिए गंदगी हो रहा है पूरा। व्यवस्था की कमी के कारण हम लोगों की मजबूरी है, यहाँ कचरा फेंकने का कोई व्यवस्था नहीं है सर, इसलिए मजबूरी में हम लोग यहाँ फेंक देते हैं। अगर व्यवस्था हो जाए कचरा फेंकने का तो साथ ये भी व्यवस्था माने ये कचरा यहाँ ना फेंकाए, लेकिन हम लोग व्यवस्था के कारण हमारे विधायक जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, विधायक श्रीमान संजीव सदा जी। इसको जिम्मेदार मानते हैं आप ये कचरा के लिए? हमारे विधायक सांसद दोनों को। उधर सांची में तेज रफ्तार बेकाबू कार पेड़ से टकराई कार कांग्रेस के जिला महामंत्री का। जमशेदपुर के सांची थाना क्षेत्र के सोनरेखा लिंक रोड पर एक अनियंत्रित कार फुटपाथ पर चढ़कर पेड़ से टकरा गई। इस घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार पर जिला महामंत्री का बोर्ड लगा है, कार कांग्रेस के जिला महामंत्री का है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार तेज रफ्तार में टर्न ली जिससे अनियंत्रित होकर पहले फुटपाथ पर उसके बाद पेड़ से जा टकराई। वहीं यह भी आशंका जताई जा रही है कि टर्निंग पर एक खराब ट्रक खड़ी है, उसे खराब ट्रक के कारण ही कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। घटना शुक्रवार सुबह की है। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना के बाद लोगों की भीड़ लग गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को फुटपाथ से बाहर निकाला। फैमिली के साथ पार्टी लगन करके हम रिटर्न हो रहे थे घर, बागबेड़ा में रहते हैं। यहाँ रॉन्ग साइड से ट्रक जा रहा था, अपर उसका लाइट था, वो मेरे को मारने के चक्कर में था और हम बचाने नहीं आए। कितना बजे की घटना है? 11:30 रात 11:30 12 के बीच 11:40 11:50। किसी को कुछ नुकसान हुआ? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ, दो बच्चे थे उनको कुछ नहीं हुआ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गोलमुरी पुलिस लाइन निवासी महिला कांस्टेबल ने चौथे तल्ले से कूदकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। बिष्टुपुर पुलिस ने हथियार के साथ कुख्यात अपराधी मोहम्मद आदिल उर्फ निप्पो को किया गिरफ्तार। बारागुड़ा पुलिस टीम ने छापेमारी कर दो कार के साथ 100 किलो गांजा किया बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार। और पश्चिमी जिला पुलिस और सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 3 नक्सली गिरफ्तार, आईईडी बनाने का सामान बरामद। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।